ये कहते हैं, केजरीवाल जी कहते हैं कि हमारा हमारा मूल्यांकन हमारे काम से करिए। तो आज मैंने एक रिपोर्ट कार्ड बनवाया, पढ़ के सुनाती हूँ। छोटे छोटे बच्चे होते थे तो बहुत रिपोर्ट पढ़नी पड़ती थी, आज मैं इनकी रिपोर्ट पढ़ के सुनाती हूँ। देखिए, कांग्रेस की सरकार ने 36 स्कूल बनाए अपने शासनकाल में, हर साल 36 स्कूल। आम आदमी पार्टी ने हर साल 6 स्कूल। कांग्रेस पार्टी ने 10 कॉलेज बनाए, आम आदमी पार्टी ने 0। 4 विश्वविद्यालय बनाए कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने 0। 21 अस्पताल बनाए कांग्रेस पार्टी में ने, आम आदमी पार्टी ने 0। 22,000 अस्पताल के बेड कांग्रेस पार्टी ने बनवाए, आम आदमी पार्टी ने 3,000। कांग्रेस पार्टी के शासन में 602 मोहल्ला क्लिनिक होते थे, जिनका नाम उस समय मेडिकल डिस्पेंसरी होता था। अब इन्होंने नाम बदल दिया, मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, लेकिन इनके शासन काल में सिर्फ 190 नई क्लिनिक बनी है। सड़कें की बात करिए, कांग्रेस पार्टी ने 5,000 किलोमीटर से ज्यादा नई सड़कें बनाई दिल्ली में, आम आदमी पार्टी ने कितनी बनाई? 0। कांग्रेस पार्टी ने 6,500 बस नई लगवाई, आम आदमी पार्टी ने 3,800। मेट्रो किसने बनाई? सिर्फ चौथा फेज बचा था, 3 साल से उसका डिले हुआ है, 3 सालों से कुछ काम नहीं हुआ उसमें। फ्लाईओवर कांग्रेस पार्टी ने 78 फ्लाईओवर बनाए, और 12 जो अभी बन रहे हैं वो कांग्रेस के शासन काल में ही शुरू किए गए थे। अनऑथराइज कॉलोनीज का जो रेगुलराइजेशन है, 1,500 कांग्रेस पार्टी ने कराई, आम आदमी पार्टी ने 0। उन्होंने लोकपाल का वादा किया था, लोकपाल भी नहीं किया अभी तक। आज सुबह के अखबार में लिखा था कि फिर से मैनिफेस्टो में लिखा है कि लोकपाल कराएंगे। बिजली कंपनी पे सीएजी का ऑडिट की बात की थी, वो भी नहीं कराया। तो आप समझ सकते हैं कि जिसने मेहनत की आपके लिए, कांग्रेस पार्टी ने, शीला दीक्षित जी ने, तो किस तरह की मेहनत की, कितना काम किया, कितना विकास हुआ दिल्ली का उनके शासनकाल में। अब विकास कैसे हुआ? आप सबकी मेहनत से हुआ। ऐसे हुआ कि जो नेता आपके लिए समर्पित थे, दिल से आपके लिए अच्छा चाहते थे, आपको आगे बढ़वाना चाहते थे। तो अब समय आ गया है कि आप फिर से तय करें कि आप अपने उम्मीदवार को, अपने प्रतिनिधि को कैसे चुनेंगे, किस आधार पर चुनेंगे। जाग जाइए, यही मैं कहती हूँ जब भी जाती हूँ चुनावी सभाओं में, जाग जाइए। बहुत प्रचार हो रहा है और बहुत गलत भी हो रहा है। ये सिर्फ एक तबके के लिए नहीं, दूसरे तबके के लिए बुरा नहीं है, पूरे देश के लिए बुरा है। ये देश एक रहेगा तभी आगे बढ़ेगा। परिवार में भी ऐसा होता है, कुटुंब में भी ऐसा होता है, तो देश में कैसा नहीं होगा। तो इसी एकता के लिए, अपने विकास के लिए, अपने मुद्दों के लिए, जो आपकी जरूरतें हैं, जो आप चाहते हैं, जिस तरह का देश आप बनाना चाहते हैं, उसी के लिए आप वोट दीजिए। जब आप कांग्रेस के उम्मीदवारों को विजयी बनाएंगे तो ये वोट कांग्रेस के पक्ष में नहीं, आपके पक्ष में और आपके देश के पक्ष में जाएगा। आपको समझना पड़ेगा कि कौन आपसे झूठ बोलता है, कौन असत्य बोलता है, कौन सत्य बोलता है। और मैं जानती हूँ कि आप बहुत समझदार हैं। कल की सभा में भी बोला, दिल्ली के लोग हैं, नेताओं को अच्छी तरह जानते हैं आप। आप हंसने, मीडिया वाले आप तो और भी अच्छी तरह जानते हैं, दिखाते नहीं हैं बस। तो आप सब समझते हैं आप, आशा है कि आप सही दिशा में चलेंगे, आप कांग्रेस को विजयी बनाएंगे।
आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।